सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग में औसत यानी कि एवरेज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे हुए होंगे क्वेश्चन पेपर में और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा हमें इनको समझने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं 10 सेकेंड के अंदर। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसानी से बताएंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ 2 वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि एक ग्रुप में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक ग्रुप में मेंबर है 40 है, 40 मेंबर दिए हुए हैं, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल है 40। अब इसमें पहले 10 सदस्यों का औसत कितना दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है, ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले 10 का जो औसत है 4.5 यहाँ पे है और फिर शेष 30 सदस्यों का औसत इन्होंने 35 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गए, 35 नहीं है, ये 3.5 है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 30 का जो औसत है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 3.5 है। अब देखिए, अब इसने कहा कि पूरे ग्रुप का औसत क्या है और पूरे ग्रुप का औसत निकालना बिल्कुल आसान है। दोस्तों सबसे पहले 10 को 4.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा और उसके बाद में 30 को जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 105 हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये देखिए ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 और यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 1, यानी कि 150 हमारे पास आ गया। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना था, टोटल कितना था, 40 लोग थे। तो इसका औसत क्या होगा दोस्तों, औसत के लिए हम टोटल यानी कि जो हमारा यह आया बटे में जो जितने भी सदस्य हैं बटे में 40, 150 बटे में 40, 0 से 0 कट गई, 15/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं और आगे देखना दोस्तों, UGC ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन देता है, हमेशा एवरेज जो है ना एवरेज क्वेश्चन देता है UGC, ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल कभी नहीं देता, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ABCD 4 संख्याओं का माध्य 100 है, 4 संख्याएं दी है ABCD, इनका माध्य कितना दिया है, माध्य मतलब मीन या एवरेज हम कह सकते हैं, वो इन्होंने दिया है 100 दिया है। यदि सी 70 है तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इन्होंने एवरेज दी है और इन्होंने ये बताया नहीं है कि ए कितना है, बी कितना है और डी कितना है। अब देखिए 4 संख्याओं का माध्य कितना है दोस्तों, 100 यहाँ पे दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, 4 गुना में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसने कहा है कि यदि सी 70 है, सी की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने 70 दी हुई है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 400 में से हम 70 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 330 हमारे पास आ जाएगा। अब इसने कहा है कि शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा, जो लास्ट में बच गई, कितनी बच गई हमारे पास, 3 संख्याएं बच गई, उनका माध्य क्या होगा। अब देखिए 330 बटे में 3 करेंगे हम, ये आएगा 110
10 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और जो 110 है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान आसान क्वेश्चन यूजीसी दे रहा है। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आया था। विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्राप्त अंकों का माध्य 65 है, यानी कि एक क्लास है उसके अंदर जितने भी विद्यार्थी है उनके जो अंक आए हैं उनका जो एवरेज है दोस्तों वो 65 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्राप्त अंक 45 है। अब देखिए जो आधे विद्यार्थी हैं उनका जो मध्यांक यानी कि एवरेज है वो कितनी है, 45 है। और सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे, जो टोटल विद्यार्थी है वो कितने हैं दोस्तों, 40 है हमारे पास। टोटल कितने हैं 40, और 40 के सभी का एवरेज कितना है 65 है। अब यहाँ पे कक्षा के आधे विद्यार्थियों का माध्य 45 है। आधे का मतलब क्या है दोस्तों, 20 जो विद्यार्थी है उनका जो माध्य है 45 है। अब क्या करना है, बचे हुए विद्यार्थियों के प्राप्त अंक का माध्य क्या है वो हमें निकालना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 को हम 40 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 2600 आ जाएगा। और आगे इन्होंने कहा है कि आधे विद्यार्थियों का माध्य कितना है 45 है। जब हम 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 900। अब देखिए अब हमारे पास कितने विद्यार्थी रह गए, 20 हमारे पास विद्यार्थी रह गए, और यहाँ पे जो अंक है वो कितने रह गए, जब 2600 में से हम 900 माइनस करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 1700 आ जाएगा। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1700 डिवाइड बाय 20 यहाँ पे कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, और 2 8 16 2 5 10 यानी कि 85 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, और जो 85 है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। इसके अंदर क्या कहा है, 210 छात्रों का एक समूह किसी परीक्षा में शामिल हुआ, ठीक है, 210 छात्र है टोटल वो किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठे, 1/3 में एक तिहाई में छात्रों का माध्य 60 पाया जाता है, शेष छात्रों का माध्य 78 पाया जाता है, तब संपूर्ण समूह का माध्य क्या होगा। अब ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल है हमारे पास 210 है। अब देखिए एक तिहाई छात्रों का माध्य 60 है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक तिहाई कितना होता है 210 का। देखिए 210 का एक तिहाई हम निकालते हैं, 210 बटे में 3 कर लेते हैं तो ये कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 70 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 70 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है 60 दिया है, और शेष छात्रों का 78 पाया जाता है। अब शेष छात्र कितने रहेंगे दोस्तों हमारे पास, वो रहेंगे 140 रहेंगे, ठीक है, 140 का जो माध्य है वो कितना है 78 दिया है। अब देखिए अब हमें टोटल का वो माध्य निकालना है, तो 70 को 60 से गुना करेंगे, 6 7 42 यानी कि 4200 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, और फिर 140 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं अभी करके देख लेता हूँ वो कितना आएगा, 140 मल्टीप्लाई में 78 ये आ जाएगा 10920 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 10920 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर हम जो है पूरा एवरेज निकालेंगे। अब देखिए इनको जब हम ऐड करेंगे प्लस में 4200 ये 15120 आ जाएगा, 15120 यहाँ से आ गया हमारे पास। अब हमें एवरेज निकालना है टोटल का, तो 15120 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 210 से हम डिवाइड करेंगे, 210 से हम जब इनको डिवाइड करेंगे, जब हम 15120 को 210 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 72
टू आ जाएगा और 72 हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले हमारे पास टोटल जो 210 दिए हुए हैं, 210 में एक तिहाई छात्रों का माध्य 60 दिया है। एक तिहाई का मतलब होता है दोस्तों 70 जो स्टूडेंट है उनका माध्य 60 दिया है। और फिर एक जो बच के शेष छात्र बचे हमारे पास 140 का 78 दिया हुआ है इन्होंने। तो अब टोटल का हमें निकालना है। टोटल का निकालने के लिए पहले 70 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ गया, फिर 140 को 78 से करेंगे तो 10,920 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से 15,120 आ गया। अब 15,120 को 210 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अब की बार भी आने की संभावना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सालों से आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को करना है, अपने हिसाब से करना, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन किए वैसे ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना इसका आंसर क्या आएगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर हमने दिया हुआ है, और इस नंबर से आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।